इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली थी, हम अच्छी शिक्षा देंगे, स्कूल खोल लेंगे, हॉस्पिटल खोल लेंगे, वो काम तो किया नहीं, रोजगार देने का, दारू पिलाने का काम शुरू कर दिया। जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने चाहिए थे वो आज नशे के क्षेत्र में बढ़ाए जा रहे हैं। केजरीवाल साहब ने बिल्कुल निश्चित रूप से ये कर दिया है कि इनका ऐसा दिमाग कर दें हम इस दिल्ली की जनता का कि ये बिल्कुल पागल हो जाएं। आरोप लगाए जा रहे केजरीवाल पर कि जो शराब माफिया का एक तरीके से जो नेटवर्क बना रखा है उससे जो फंड आ रहा है उसी फंड से वो बाहरी राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपना। आपको भी लग रहा है कि यही माहौल है? बिल्कुल, जिस प्रकार उन्होंने 21 ड्राई डे को ख़त्म करके 3 कर दिए और सभी धर्मों को उनसे दुश्मनी मोल ले ली, तो इससे साफ दिखाई देता है उसे सिर्फ कमाई का जरिया चाहिए। जमानत जब्त होने वाली है और दिल्ली की जनता को जो ठगा है, छला है, वो उत्तर प्रदेश का, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ तो मुझे पता है ना हम छले हैं ठगे हैं, तो इसलिए सारे देश के अंदर ये माहौल है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति है और ये देशद्रोही है। केजरीवाल को मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ये देशद्रोही व्यक्ति है। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली में एक तरीके से देखा जाए तो शराब का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से ठेके खोले जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं और इस समस्या का हल जानने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ जो माहौल आपको दिख रहा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है हमारे साथ, लगातार ये जनता से अपील कर रहे हैं कि वो इनसे जुड़े, इनका जो पत्र है उसे पढ़े और ये जाने कि जो शराब की नीति आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लागू करी है उसका क्या नुकसान हो सकता है, उसे कैसे दूर किया जाए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप शहरावत और मैं प्रदेश महामंत्री हूँ दिल्ली युवा मोर्चा में। ये जो आम आदमी पार्टी की शराब नीति है उसका हम देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली में माहौल बना हुआ है विरोध का, यहाँ क्या माहौल है, किस तरीके से आप विरोध दर्ज करा रहे हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार इन्होंने शराब के ठेके गाँव के रिहायशी एरियो में खोले हैं उससे बहुत आक्रोश है लोगों में। जिन युवाओं के हाथ में लैपटॉप होने चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, उनके हाथ में आज ये दारू की बोतलें दे दी है, तो युवाओं को किस ओर ले जा रहे हैं? पंजाब में बात करते हैं नशा मुक्त की बात करने वाले और दिल्ली में 200-250 ठेकों की 800 ठेके कर दिए, तो ये बहुत दरअसल गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि आप एक तरीके से, ये आपके हाथ में पैम्पलेट है जिस पर कॉलम बने हुए हैं, कॉलम पर ये लिखा हुआ है कि महिला सुरक्षा को खतरे में डालकर और युवाओं के भविष्य को तबाह करने की केजरीवाल सरकार की शराब नीति क्या ठीक है? जनता से सवाल किए जा रहे हैं, जनता यहाँ दर्ज करेगी अपना हाँ और ना, जनता ये तय करेगी कि शराब नीति ठीक है या नहीं है। ये जो तरीका है जिस तरीके से आप जनता से अपील कर रहे हैं, ये आपको क्या लग रहा है, अभी तक कितने लोग आपसे जुड़े हैं? अभी तक हमारे ये कम से कम भी 400-500 लोगों ने ये भर चुके हैं और शाम को हम 8 बजे तक रात को यहीं पर रहेंगे और इसमें वो अपनी अनुमति से जो उसको ठीक लगे वो राइट रॉन्ग करेगा, तो इसी को हम जनमत के आधार पर डाटा जो ये कलेक्ट होगा हम उसको सबमिट करेंगे और उसके बाद हम इसी को जनमत कहेंगे कि कितने लोग आक्रोश है और कितने लोगों में आक्रोश है इसको लेके, शराब नीति को लेके। कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहे केजरीवाल पर कि जो शराब माफिया का एक तरीके से जो नेटवर्क बना रखा है उससे जो फंड आ रहा है उसी फंड से वो बाहरी राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपना। आपको भी लग रहा है कि यही माहौल है? बिल्कुल, जिस प्रकार उन्होंने 21 ड्राई डे को ख़त्म करके 3 कर दिए और सभी धर्मों को उनसे दुश्मनी मोल ले ली, तो इससे साफ दिखाई देता है उसे सिर्फ कमाई का जरिया चाहिए, उसे किसी धर्म से किसी त्यौहार से कोई मतलब नहीं है। आपके इस वार्ड की बात की जाए तो यहाँ कितने ठेके और कितने आपने बंद करवा लिए? हमारे यहाँ पर 2 ठेके खुले थे, 3 ठेके थे, उनमें से हमने 1 ठेका बंद करवा दिया जिसका भारतीय जनता पार्टी ने ही विरोध किया और वो ठेका बंद हो चुका है। अब 2 ठेके हमारे वार्ड में है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही हमने 1 ठेका बंद करा दिया विद इन 10 डेज के अंदर। अभी रिसेंटली हमारे में बस 1 ही ठेका चल रहा है, दूसरे की तैयारी चल रही है ओपन होने की, जिसे हमारी भारतीय जनता पार्टी उसे ओपन नहीं होने देगी। अभी आप अपने कैमरे के थ्रू दिखवा सकते हो, यहाँ से बस 50 मीटर की दूरी पर ठेका है। हमारी कोशिश है पार्टी की कि उसको भी बंद कराया जाए वार्ड से।
और इसी जनमत पत्र के थ्रू हम आज हमारे वार्ड में चार जगह ये एक जनमत लगाया गया है कि एक लोगों का व्यू मिले हमें और जिससे जनता जागरूक हो कि पता लगे कि भैया कम से कम हमारे थ्रू 4 से 5 हज़ार हमारा टारगेट है आज का कि 4 से 5 हज़ार लोगों के साथ हम जुड़ेंगे। क्योंकि केजरीवाल ने बोला था कि भैया हम जहाँ पे ठेका खोलेंगे गली वालों से मोहल्ले वालों से पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने ठेके जगह जगह खोल दिए, पानी की जगह जगह सुविधा नहीं दी लेकिन ठेकों की जरूर घर पहुँचा दिया इन्होंने दारू की बोतलें। अरे इस रोड पर ठेका 50 मीटर की दूरी पर, लेकिन इस रोड पर पिछले एक महीने से इतना जाम था कि लोगों की गाड़ियाँ ठूकी, एक्सीडेंट भी हुए हैं उसके, हम आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं कि कितनी भीड़ मारामारी रही है उस दौरान। और साथ में स्कूल, हमारा मंदिर है गाँव का बहुत बड़ा और बड़ा, दो दो तीन तीन स्कूल हैं उसके बिल्कुल नियर अबाउट इन्होंने ठेका ओपन करा दिया। बच्चों की छुट्टी होती थी हमारे साथ, तो मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे भी आज हमारे साथ, जो लड़कियों का स्कूल है हमारे यहाँ पर, लड़कियाँ भी हमारे जनमत पत्र में खुद लेके गई हैं, कह रही भैया हम इसे घर से भर के दें या यहीं दें। वो बेचारी बच्चियाँ जो 8वीं 10वीं 12वीं क्लास तक की बच्चियाँ थी, वो खुद इनको भर के दे के गई हैं। वो ये कहती हैं कि भैया ये हमारे स्कूल के पास जो ठेका उसे बंद कराया जाए, अगर इससे बंद होता है तो इससे ज़्यादा और क्या लोगों की, जो बच्चियाँ 8वीं क्लास में 10वीं क्लास वो हमारा सहयोग दे रही थी मॉर्निंग में, अब तो उनकी ऑफ हो चुका है स्कूल, मॉर्निंग तक वो हमारे साथ यहाँ पर बेचारी, ज़्यादा ना बोलूँगा 15 मिनट तो हमारे साथ वो खड़ी रही। यानी कि जो आपकी बात है वो लोगों तक पहुँच रही है, बच्चों तक भी पहुँच रही है बात। बिल्कुल, जिस प्रकार केजरीवाल शुरू में जब सरकार आई थी, जन हर चीज़ जनता दरबार से पूछता था, तो अब उन्होंने किस जनता से पूछा, किस जनता का जनमत लिया कि ये ठेके खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए। लग रहा है आपको कि जो ठेके की नीति खुली है, शराब नीति खुली है, इसका खामियाजा इस बार भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, जिस प्रकार आक्रोश लोगों का दिख रहा है और जो लोगों को जिस ओर ले जा रहा है उससे जनता बिल्कुल खुश नहीं है इससे, और इस चुनाव में उसको सबक मिलेगा। सबक मिल जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। केजरीवाल साहब यहाँ जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, जो ये दिल्ली सरकार द्वारा शराब की विनाशकारी नीति है, इसको सारी दुनिया, सारी दिल्ली के गली मोहल्ले में अपनी जो बहन बेटियां रहती हैं सभी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मतदान करेंगे। दिल्ली में जो इन्होंने वादे किए थे, एक सबसे पहला मुद्दा था जो अन्ना आंदोलन से शुरू था, जन लोकपाल। आप मीडिया कर्मी हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, वैसे मुझे अधिकार नहीं है, पर क्या वो मुद्दा आज तक उठा? क्योंकि उस जन लोकपाल के बिल आने से केजरीवाल साहब खुद जेल के अंदर जाने वाले हैं। जो इस सरकार, जो ये शराब की नीति बनाई है, इसमें कितने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला केजरीवाल साहब ने किया है, इसीलिए तो वो जन लोकपाल नहीं लगा। और आप देखिए जल बोर्ड को देख लो आप, कितना उस पर क्या कर्जा है। आप DTC को देख लीजिए कितने घाटे में चल रही है। वो कहते हैं कि जी हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि पानी बताएं तो सही भाई, किसके घर में पानी आ रहा है और आ भी रहा किसी के में, तो क्या पीने लायक पानी है वो? पानी अशुद्ध है और दारू एकदम ब्रांडेड दी जा रही है। दारू ब्रांडेड दी जा रही है, एक के साथ एक पेटी दी जा रही है। बच्चों की उम्र 25 साल से 21 साल कर दी, और बच्चे हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे थे जिनके हाथ में कॉपी पेन और कंप्यूटर और ये होना चाहिए था, जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने चाहिए थे, वो आज नशे के क्षेत्र में बढ़ाए जा रहे हैं। केजरीवाल साहब ने बिल्कुल निश्चित रूप से ये कर दिया है कि इनका ऐसा दिमाग कर दें हम इस दिल्ली की जनता का कि ये बिल्कुल पागल हो जाएं और मुझे वोट दें और मुझे सत्ता में बनाए रखें। लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी है, अब निश्चित रूप से केजरीवाल को यहाँ से भगाने का कार्य शुरू हो चुका है। गली मोहल्ले में हमारा ये कार्यक्रम शुरू है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मंडल में, पूरी दिल्ली में 272 मंडल है, एक मंडल के अंदर कम से कम 10-10 जगहों पर, 5-5 जगहों पर यह कार्यक्रम चल रहा है और घर घर तक जाकर ये संपर्क जन जागृति अभियान चल रहा है, जनसंपर्क जनमत, ये सबसे राय ली जा रही है। तो केजरीवाल साहब की अब खैर नहीं है। केजरीवाल साहब ने जो अब तक ड्रामे करने थे, झूठ बोलना था, अभी 5 राज्यों में भी, कुछ राज्यों में वो लड़ने गए हैं, आप वहाँ का रिजल्ट 10 तारीख में देख लेना। जो जहाँ जहाँ की वो पंजाब की बात कर रहा है, वो गोवा की बात कर रहा है, या कहीं और की बात कर रहा है, यूपी की बात कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उसको जमानत जब्त होने वाली है, और दिल्ली की जनता को जो ठगा है, छला है, वो उत्तर प्रदेश का, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ तो मुझे पता है ना हम छले हैं ठगे हैं। तो इसलिए सारे देश के अंदर ये माहौल है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति है और ये देशद्रोही है। केजरीवाल को मैं निश्चित रूप से कहता हूँ देशद्रोही व्यक्ति है। जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर कोसा जा रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार?
हमारा जो दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया जनमत का, जिसमें 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराएंगे केजरीवाल के खिलाफ, जिन्होंने दारू के ठेके हर जगह गलियों में खोल दिए। 250 ठेके हमारे दिल्ली के अंदर थे, अब 850 से ज़्यादा बढ़ते ठेके खोल दिए, हर गली के नुक्कड़ पर खोल दिए, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल दिए। आज हमने रामफल चौक पालम के अंदर, मेरी वाइफ डॉक्टर प्रोमिला सहराव के नेतृत्व में हज़ारों महिला आपके सामने बैठी हैं, हमारे सामने गली के सामने ठेका है। तो हमारे सारी माताएँ बहनें परेशान हैं, जिन्होंने हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे सारे गली से निकलते हैं तो यहाँ शराबियाँ रोड पर दारू पीते हैं, रात के 3 बजे तक हंगामा करते हैं। यहाँ पर हमारे भाई दारू पी जाते हैं, घर पर झगड़ा करते हैं, बच्चे भी हमारे ख़राब हो गए, बेटियाँ भी हमारी शर्म के बाहर निकल पा रही। तो इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली थी, हम अच्छी शिक्षा देंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, वो काम तो किया नहीं, रोजगार देने का, दारू पिलाने का काम शुरू कर दिया, को हमारे घरों को बर्बाद करने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। हमारे यशस्वी सांसद रमेश बदूर के नेतृत्व में, आदेश गुप्ता के नेतृत्व में हर आज 1180 जगह हमारा प्रदर्शन हो रहा है, और ये पालम के अंदर मैनू सहरावत की तरफ से और मैडम की तरफ से हमारी माताओं के साथ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने गीत गाकर इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। आदेश जी कह रहे हैं कि ये जो केजरीवाल सरकार की जो नीति है, शराब नीति, कहीं ना कहीं ये बाहरी राज्यों में चुनावी फंड इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। पंजाब में जाके बोलता है मैं उसको नशा मुक्त कराऊंगा पंजाब को, पंजाब के अंदर इतना नशा है कि कोई पूरे देश के अंदर नहीं है जितना पंजाब के अंदर। वहाँ जाकर झूठ बोलता है कि महिलाओं को मैं 1000 रुपये खाते में दूंगा, यहाँ कुछ हमारे अकाउंट में डाल दिया उसने एक पैसा, वहाँ सिर्फ जाकर प्रोपेगंडा काम करता है। वो झूठा एक नंबर का मुख्यमंत्री है, सब उसने राजनीति हटानी थी, वो अपना कब्जा कर लिया। ये हमारी माता बहनें सब समझ में आ गई महीनों को कि ये देश का नाश, हमारी दिल्ली का नाश करने के लिए आया, अब इसका लठ उठा लिया, हमारे बेलन चमटे सारे उठा के इसके घर घुसेंगे हम थोड़े वाले दिन में, अगर ठेका बंद नहीं हुआ तो केजरीवाली कोठी जाएंगे हम सारे सारे हथले लेंगे, बेलन लेंगे, चिमटे लेंगे और इसी कोठी जाएंगे हम सारे, ठेका या बंद करेगा हमारा। पीने को साफ पानी नहीं है, लेकिन दारू चाहिए, ब्रांडेड दिल्ली वालों को भी दे रही है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने पैसे के लिए ना पानी आ रहा है, सीवर देखो सारे सीवर ब्लॉकेज पड़े हमारे यहाँ, कोई भी काम नहीं हो रहा किसी घर में, सब ये सब झूठी बातें थी, सारे सीवर ब्लॉकेज हैं, घरों में पानी घुस रहा है, पीने गंदा पानी आ रहा है, ये सब इसने शुरू में लोगों को लॉलीपॉप दिया, वो हमारे दिल्ली की बहनें हमारे बहकावे में आ गई और इसलिए वे ठगी के कारण महसूस कर रही हैं। पर ये अब समझ गई हैं कि इन्होंने सिर्फ दिल्ली को ठगने का काम किया, अब ये अपने घर को बर्बाद करने से बचाने का काम करेंगी मेरी सारी माताएं। हाँ, पूरी दिल्ली में होना ही चाहिए, केजरीवाल जी ने जो ये दुकानें खोल दी हैं ठेके की, इससे हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है, हमारे जो यंग बच्चे हैं वो शराब में जा रहे हैं और ये लत अच्छी नहीं है, पढ़ेंगे क्या, कल उन्होंने IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, नशे में तो उनकी बुद्धि ही नहीं काम करेगी, ये ज़रूर बंद होना चाहिए, इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उन्होंने खोल दी है, उन्होंने क्या सोच के खोला है पता नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है इसका खामियाजा इस बार इनको भुगतना पड़ेगा, MCD में तो सुपड़ा साफ होने वाला है, फिर तो केजरीवाल का होना तो चाहिए, इनका बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, MCD इनको मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने सब गलत काम करने शुरू कर दिए हैं। लगातार ये दावा किया जा रहा है, केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि भाजपा के समय में देखा जाए तो इलीगल तरीके से ये दारू के ठेके वगैरह खुले हुए थे, हमने तो एक देखा जाए तो मेंटेन किया है, इन्हें लीगल तरीके से जनता तक पहुँचाई और ऐसे दारू पहुँचाई जो नुकसानदायक नहीं है। नहीं, मेंटेन करना था तो गाँव में रिहायशी एरियो में जाके मेंटेन करेंगे क्या? अगर मेंटेन करना था तो बहुत सारी ऐसी मार्केट हैं, मॉल है जहाँ खुले हुए थे, उससे छेड़खानी करने की क्या जरूरत थी? जहाँ बच्चे सामने हॉस्पिटल है, सामने स्कूल है, उसके सामने ठेका खोल दिया तो ये कौन सा मेंटेन करना हुआ? किस ओर लेके जा रहे हैं दिल्ली को? पिंक ठेके खोलने की बात कर रहे हैं, 4000 अभी तो 250 से इन्होंने 800 ठेके किए हैं, पर 4000 ठेके अभी और पेंडिंग में और वे भी खुलेंगे कि हर घर घर में दारू तक पहुँचे, एक के साथ एक फ्री, पेटी के साथ पेटी फ्री, तो ये मेंटेन करना कहीं है क्या? युवा जो युवा मतलब जिम में जाना चाहिए, योगा देश योगा डे बनाने के और अंतर्राष्ट्रीय योगा डे बनाया जा रहा है, योगा ना सिखा के आप उनको दारू पिलाना सिखा रहे हैं, तो इसको मेंटेन करना नहीं कहेंगे, इसको आप उसको अपनी कमाई करने के जरिया बताएंगे। और जो पैसा लगा है पंजाब चुनाव में वगैरह, ये आपको लग रहा है कि जो एक तरीके से शराब की जो माफिया थे उनसे पैसा आया है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक एक व्यक्ति से करोड़ों करोड़ों कई कई करोड़ रुपए में लेके एक एक दुकान दी गई है, और उसके बदले में जो आज ये एक के साथ एक पेटी चल रही है ना, ये जहर है, दिल्ली की जनता को मारने का काम हो रहा है। कुछ लोग तो पानी पी के मर रहे हैं, किडनी और लीवर उनके फेल हो रहे हैं। आप पिछले 7 साल का रिकॉर्ड उठाइए, उसमें देखिए कि चलो आदमी को तो आदमी कह सकता है कि भाई ये दारू पीता होगा शायद किडनी लीवर फेल हो गए, खराब हो गए, डैमेज हो गए, लेकिन क्या एक मेरी महिला माँ बहन जिसकी किडनी और लीवर डैमेज हो रहे हैं तो वह पानी के कारण हो रहे हैं, गंदा पानी पीने से हो रहे हैं? आज ये दारू भी इस तरीके की जो ये यहाँ पर दारू परोसी जा रही है ये प्योर जहर है, और इन बोतलों में 100% मिलावट है, और दिल्ली में ये बिल्कुल थोक में हर हर मेरे ख्याल से कोने कोने में पहुँचाने का काम किया है, और इसका खामियाजा हमको
अभी 5-6 महीनों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो मुझे लग रहे हैं कि पी पा के बीमार भी हुए हैं इसको, लेकिन ये बहुत ही जहरीली दारू है। ये कोई वो चीज़ नहीं है जो पहले यहाँ दिल्ली में बिकती थी, एक ब्रांड होता था, बाहर के लोग भी कहते थे कि भाई दिल्ली की अच्छी विस्की है या दिल्ली में अच्छी दारू बिकती है, लेकिन अब यहाँ का माहौल मुझे लगता है कि पूरे भारत में अगर आज सबसे ज़्यादा खराब ये शराब का जो मामला है, सबसे ज़्यादा खराब दिल्ली के अंदर हुआ है। बहुत जहरीली शराब यहाँ पर ये बेची जा रही है और धंधा किया जा रहा है, अपनी जेब भरने का काम सरकार कर रही है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो हमारे केजरीवाल साहब हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे उनके कहीं निगम में प्रत्याशी जो निगम पार्षद बने हों, सभी लोग कुल मिलाकर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और लालच ये दे रहे हैं कि भाई एक के साथ एक फ्री है कि भाई ले जाओ, हम तो देखो दारू भी फ्री बांट रहे हैं। ये कहा जा रहा है केजरीवाल सरकार के द्वारा कि जो ये ड्राई डे को 3 दिन कर दिया गया है, पहले किस दिन था, ये कहा जा रहा है कि जो पूरा पैसा है दिल्ली की जनता का ड्राई डे के दिनों में वो हरियाणा बॉर्डर पर जाकर के शराब खरीदते थे, नुकसानदायक शराब थी, हमने इसलिए घटा करके 3 दिन कर दिया है ताकि दिल्ली की जनता को अब अच्छी शराब मिले, इस पर क्या कहना है आपका? जिस प्रकार ड्राई डे आप कह रहे हैं ख़त्म कर दिए, तो मतलब दिवाली है, दिवाली पर लोग पूजा करते हैं, तो कितने परसेंट होंगे उस दिन की रात को दारू भी पीते होंगे लोग? ये ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है, तो 21 दिन अगर वे पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ में लगा रहे थे, अंबेडकर जी की जयंती, दीपावली, रामनवमी, उस दिनों को ख़त्म करके आपने इसको वो नहीं कहेंगे कि भाई हरियाणा से ले रहे थे, पंजाब से ले रहे थे, ये सब झूठी बात है, ये उनके आरोप हैं कि हम इसलिए ख़त्म कर दिया, उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए ये काम किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वो सोचते हैं कि 21 दिनों में ही हमारी कमाई ज़्यादा होगी, सिर्फ उसको देखते हुए उन्होंने ये किया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये शराब माफिया का जो नेटवर्क है वो अपनी जेब भरने के लिए और अपनी राजनीतिक छवि उसको चमकाने के लिए जो पैसा उगाही का है उसका एक जरिया बनाया मात्र। बिल्कुल ये जरिया बनाया गया है और इसमें केजरीवाल साहब अब कभी भी कामयाब होने वाले नहीं है। जनता का पर्दा, जनता के सामने से केजरीवाल साहब का पर्दा हट चुका है, उनका खेल समाप्त हो चुका है। और आप देख लीजिए ना, दिल्ली के अंदर विकास कोई एक कॉलेज बनाया क्या, कोई एक हॉस्पिटल बनाया हो, कोई IIT बनाया हो, मतलब दिल्ली के अंदर केवल 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 ठगी। रोड नालियों की स्थिति जर्जर, अभी भी आप अभी यहाँ जाइए, विश्वास पार्क है हमारे पास में, वहाँ पर देखिए बहुत बुरी हालत है, आप पैदल नहीं निकल सकते। हमारे इस पूरे क्षेत्र में भी अभी कई जगहों पे तो इतना गंदा है कि रोड पे से आप निकल नहीं सकते, कई जगह कुछ काम अभी छोटे मोटे हुए हैं तो उसमें भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं। देख जैसे ये सड़क है, इस पे देखिए आप सीमेंट, इसका जो इसमें सीमेंट की क्वालिटी वो ख़त्म, अब ये कंक्रीट इसके ऊपर आ गई, तो ये सब हेरा फेरी है। और कोई चीज़ फ्री की नहीं है, बिजली के भी लोगों के बिल आ रहे हैं, पानी के भी लोगों के बिल आ रहे हैं और पानी आ नहीं रहा। और पानी तो आप ये बताइए ना, पानी को आज लोग खरीद के कितना महंगा पी रहे हैं, एक बोतल आप 25 रुपये की कम से कम लगा लीजिए, गर्मियों में अगर 4-5-6 लोग हैं तो 2-3 बोतल उनके घर में 150 रुपये पर डे का पानी, 200 रुपये पर डे का पानी लोग खरीद कर पी रहे हैं, मजबूर हैं। तो ये केजरीवाल साहब की देन है जो फ्री वाली है कि भाई हम फ्री दे रहे हैं, उस पानी को तो ना आप पी सकते, ना मैं पी सकता, ना केजरीवाल साहब पी सकते। भाजपा का रोल क्या रहेगा अगर दिल्ली की जनता आप पर भरोसा जता देती है तो शराब मुक्त कर देंगे आप? बात शराब मुक्त करने की नहीं है, हमारा जो मुद्दा है कि रिहायशी एरियों में दारू के ठेके नहीं चलेंगे। जिस रोडों पे हमारी बहनें पढ़ती हैं, जो सामने स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर शराब के ठेके नहीं चलने चाहिए। जहाँ शराब के ठेके की जगह होती है, सबको पता होता है, वहाँ पर ही शराब के ठेके खुलने चाहिए। जिस प्रकार आप केजरीवाल एक तरफ तो बात करता है तीर्थ पे भेजने की और दूसरी तरफ लोगों को दारू पिला रहा है, तो ये ढोंग क्यों कर रहे हैं? तो ये ढोंग हम उसका जनता के सामने रखना चाहते हैं और जनता समझ रही है, आने वाले चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी। बात की जाए शराब नीति की तो लगातार दिल्ली के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारी रोष व्यक्त किया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा भी भारी रोष दिखाया जा रहा है। हम लगातार आपको इससे जुड़ी अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन यश राघव के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशनल लाइव।